बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हुमैरास क्रिएशंस। आज हम बनाने लगे हैं आलू और चिकन का सालन, जो कि बहुत मज़ेदार और लाहौरी किस्म का ये है। लाहौर में ये बहुत बनता है। इसमें हमने लिए हैं 2 से 3 अदद हमने आलू लिए हैं, उनको हमने कट कर लिया ज़रा बड़ा, जैसे आलू गोश्त में डालते हैं। चिकन हमने लिया 1 kg और साथ में 2 हमारी चिलीज़ हैं ग्रीन, जिनको कट कर लिए। 1 मीडियम हमारे पास टमाटो है, जिसको हमने बहुत बारीक चॉप कर लिए, और हमारे पास अनियन है 1, जिसको हमने स्लाइस कर लिए बहुत बारीक, क्योंकि हमने इसको इसका सालन बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। 1 कप हमारे पास है ऑयल, 1/2 कप हमारे पास है योगर्ट, और ये जिंजर और गार्लिक का पेस्ट है हमारे पास 1 टेबल स्पून। ड्राई मसालों में हमारे पास है सॉल्ट 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी हमारे पास है 1 टीस्पून, लहसुन पाउडर और गार्लिक अदरक पाउडर हमारे पास 1/2 टीस्पून है, 3 से 4 ये हमारे पास रेड चिलीज़ हैं। कश्मीरी चिलीज़ हमने डाली हैं कलर के लिए, वो बिल्कुल 1/2 टीस्पून है, और साबुत गरम मसाले में लौंग और 3-4 लौंग हैं, 3-4 ही काली मिर्चें हैं, ज़ीरा है 1/2 टीस्पून, और 2 से 3 हमारे पास ये सिनेमन स्टिक्स हैं। और अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ऑयल हमने डाल दिया और वो हो रहा है गरम। इसमें हम सबसे पहले अनियंस डाल देंगे और इनको हम फ्राई होने देंगे लाइट ब्राउन होने तक। ये हमारा जो अनियन है ये थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट हो रहा है, अब हम इसको इतना अच्छा करेंगे कि ये लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। ये अनियन हमारा जो है ये लाइट ब्राउन हो गया है, कोई भी वाइट नहीं रहा, सारे बड़े अच्छी तरीके से लाइट ब्राउन हो गए हैं। अगर आप अपने अनियन को ब्राउन नहीं करते तो फिर वो सालन में बारीक बारीक साबुत प्याज आते हैं। जब अगर आपने इनको ब्राउन कर लिया होता है तो जैसे ही आप इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं मसाले के लिए, तो ये फ़ौरन से घुल जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। अब हमने कर लिया, इसके अंदर अब हम चिकन डाल देंगे। अब हम इसी ऑयल में चिकन को अच्छी तरह फ्राई करेंगे ताकि इस पर अनियन का इसी तरह कलर आ जाए और बड़ी अच्छी सी खुशबू भी हो जाएगी। इसको फ्राई करते वक्त हमने इसमें ग्रीन चिलीज और टमाटर जो हमने काटा हुआ था वो भी डाल देंगे, साथ ही इसके अंदर हमने अदरक और लहसुन का वो पेस्ट भी डाल देना है। और अब हमने इसको अच्छी तरह फ्राई करना है थोड़ी देर। एक तो चिकन के ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है और ये खुशबू बड़ी ज़बरदस्ती आती है इसमें। इसको अब हम थोड़ी देर 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे। ये हमारा चिकन फ्राई हो रहा है, इसके साथ ही हमने आलू भी डाल देने हैं, क्योंकि चिकन तो बहुत जल्दी बन जाता है। तो अब हम इसके अंदर आलू भी फ्राई कर लेंगे साथ ही, ताकि इनको भी अच्छा सा एक कलर आ जाए। इसके साथ ही इसको कवर करते हैं, और कवर करके हम सिर्फ इसको 5 मिनट के लिए रखेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको उतारेंगे। इसके अंदर हमने ये गरम मसाले जो साबुत हैं वो भी सारे डाल देने हैं, और तमाम ये वाले मसाले भी डाल देंगे। साथ ही हमने 3 से 4 हरी मिर्चें डालनी हैं, और इसके ऊपर हमने डाल देना है योगर्ट, और इसको मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरह। ये देखें, अभी से कश्मीरी लाल मिर्च का जो है कलर वो नज़र आना शुरू हो गया सालन में। चिकन और आलू का जो सालन है ये लाहौर में ज़्यादा बनाया जाता है और बड़ा फेमस है, होटलों में भी बनाया जाता है। तो अब आप घर में बनाएं, बड़े ज़बरदस्त से रेसिपी है, ये खुशबूदार सा बनेगा, बड़ा मज़ेदार बनेगा। इसके अंदर हम एक जायफल जो है वो बिल्कुल कुक होने के बाद पिसा हुआ जायफल का टुकड़ा डाल देंगे थोड़ा सा पीस के। अब हमने इसमें क्योंकि योगर्ट डाला है और चिकन भी पानी छोड़ेगा, इसको हम सिर्फ
5 मिनट के दोबारा कुक होने के लिए रख देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और अब हम इस लिड को साइड पे कर लेंगे। ये देखें योगर्ट डालना था तो उससे ये थोड़ा सा अच्छा पक गया। और ये देखें मसाले को भी अभी हम भून लेते हैं थोड़ा सा। ये देखें मसाला आपको अब कहीं नहीं नज़र आ रहा, सब पेस्ट की तरह बन चुका है। लेकिन अभी जो आलू और चिकन है इन पे कलर तो आ गया, लेकिन अभी इनमें ये कुक नहीं हुआ अच्छी तरह। तो 1 कप के करीब हम पानी डालेंगे इसमें। कलर देखें कैसा ज़बरदस्त किस्म का आया हमारा आलू और चिकन जो है इसके शोरबे का कलर देखें कैसा ज़बरदस्त है। अब हम इसको दोबारा से रख देंगे लिड से कवर करके, ताकि ये अच्छी तरह आलू भी सॉफ्ट हो जाए और चिकन भी बहुत अच्छी तरह गल जाए। अब हमने इसको कर दिया कवर, इसको 5 से 10 मिनट अब हम कुक होने देंगे, फिर देखते हैं। अब 10 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम देखते हैं। ये देखें हमारा ये आलू और चिकन का करी जो है वो रेडी हो चुकी हुई है। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें मसाला, ये जो शोरबा सा है ठीक है और बिल्कुल भी इसमें कोई प्याज नज़र नहीं आ रहा। और इसी तरह बनेगा अगर आप इसी तरह स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे और साथ ही हमने वो जो जायफल था उसका हमने मसाला पीसा था वो डाल देंगे और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे ताकि इसकी खुशबू सारे में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखें अब चिकन जो है बहुत अच्छी तरह कुक हो चुका है। ये देखें ये लेग जो है ये इसमें भी आपको नज़र आ रहा है कि ये चिकन जो है अब हड्डी को छोड़ रहा है और बड़ा ज़बरदस्त था। और ये देखें ऊपर हमारा ऑयल कितना ज़बरदस्त आ गया। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा हरा धनिया डाल देना, साथ में हम डालेंगे थोड़ी सी ग्रीन चिलीज फ्रेश और थोड़ा हरा धनिया। इसको अब हम हल्का सा कवर करेंगे और सिर्फ इसकी खुशबू लाने के लिए हम इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए स्टीम में रखेंगे। उसके बाद आपको सर्व करके दिखाते हैं। बड़ा ज़बरदस्त और बहुत आला हमारा आलू और चिकन की करी रेडी हो गई है। अब हम इसको सर्व करते हैं और अब हमारी आलू और चिकन की करी रेडी हो चुकी है। देखें कैसी ज़बरदस्त बहुत आला सी बनी है। और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करें, इसके इंग्रेडिएंट लिखें और आपकी भी इसी तरह खुशबूदार और बहुत आला बनेगी। और मेरे यूट्यूब चैनल हुमैरास क्रिएशंस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।